नमस्ते, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम कॉफी बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही। आपको टेस्टी भी लगेगा और दिखेगा भी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, दूध बिठा देते फिर उसके ऊपर चीनी डाल देते हैं। जब दूध की उबाल आ जाती है तब हम उसमें कॉफी डाल देते। लेकिन कॉफी अगर हम लोग अच्छे से बनाएंगे तो कॉफी बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं आपको बताऊंगी कॉफी हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाने में कॉफी ज्यादा टेस्टी लगती है। जो जो इंग्रेडिएंट्स जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक कॉफी चाहिए और मिल्क एक कप चाहिए, चीनी चाहिए और एक बोल चाहिए और एक कप चाहिए, एक स्पून चाहिए और एक पैन चाहिए कॉफी बनाने के लिए। हम पहले 2 चम्मच चीनी ले लेते हैं। एक कप कॉफी के लिए 2 चम्मच चीनी लेते हैं और आधा चम्मच कॉफी लेते हैं। उसमें आधा टीस्पून पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छे से मिक्स हो गए, फिर हम अभी दूध के लिए पैन गर्म करेंगे। दूध बिठाएंगे। दूध को हम धीमी आंच में बिठाएंगे, क्योंकि दूध अगर धीमी आंच में बिठेगा तो उसमें जितना सारा बबल्स आएगा दूध में तो कॉफी उतना अच्छा बनेगा। दूध को हम धीमी आंच में बिठाएंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे तो उसके अंदर अच्छा सा कॉफी का कलर भी चेंज होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा उसका कलर चेंज हो रहा है और धीरे धीरे उसका अच्छा सा कलर चेंज आ जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसका मिक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाएगा। फिर इसमें अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी दे के, बस बहुत कम थोड़ा थोड़ा पानी दे के, 1/4 चम्मच 1/4 स्पून पानी दे के फिर इसको अच्छे से अच्छे से मिला। देखिए इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसका कलर और भी चेंज हो जाएगा। पूरा लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा और ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा और उसका अच्छे से फोम आ जाएगा। देखिए इसका कलर और भी थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए उसका कलर चेंज आ गया, और भी उसका कलर चेंज आएगा। उबाल आ गया इसलिए मैंने आंच को मीडियम, पूरा मीडियम से पूरा लो कर दिया है और इसको हम अच्छे से बनाएंगे। जितना अच्छे से ये कॉफी का मिक्सचर बन जाएगा कॉफी भी उतना टेस्टी लगेगा। देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया बिल्कुल। बस इसमें से हम उसका मिक्सचर अच्छे से बनाएंगे, जिससे पूरा गाढ़ा और फोम की तरह लगेगा पूरा। देखिए और भी कलर चेंज हो गया इसका बन रहा है और हम और भी थोड़ा सा पानी देके इसको और अच्छे से बनाएंगे। बबल्स जितना बनेगा कॉफी उतना टेस्टी बनेगा। देखिए उसका कलर और भी चेंज हो गया। अभी कॉफी का मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। देखिए पूरा लाइट ब्राउन कलर हो गया है और ये अभी कॉफी बनाने के लिए तैयार है। और दूध में देखिए अच्छे से दूध के ऊपर बबल्स आ गया है। इसको हम कप में ले लेंगे। पहले कॉफी का मिक्सचर को कप में डालेंगे। अगर आपको ज्यादा चीनी खाना चाहिए
तो फिर दूध में थोड़ा सा चीनी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है इसलिए मैंने दूध में चीनी नहीं डाली है। फिर इसको साइड से दूध को धीरे से साइड से हम दूध में कप में डालेंगे, तो फिर क्या होगा, जो कॉफ़ी हम नीचे रखे थे, नीचे डाले थे कप के नीचे, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और दूध के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होके वो ऊपर आएगा। हम अभी गैस को बंद कर देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे चलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध में, वो शुगर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध में। देखिए कॉफ़ी हमारा बन गया। अगर इसको आप डेकोरेट करना चाहते हो तो उसके ऊपर जैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं करेंगे, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चोको पाउडर डाल सकते हैं। अभी आपका कॉफ़ी तैयार हो चुका है, अच्छे से झाग भी बना है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की कॉफ़ी की तरह लगता है। आप घर में इस टाइप का कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी लगेगा। आप थोड़ा ट्राई कीजिए घर में, तो आपको भी पता लगेगा कि कॉफ़ी कितना टेस्टी बनता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।